हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सेहत और सौंदर्य पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बदलते समय के साथ शादी का ट्रेंड काफ़ी बदला है, तो भला दूल्हा दुल्हन के साथ वजन वहीं के वहीं क्यों रहे? पहले लड़कियां कामकाजी नहीं थी तो घर के सदस्यों की देखभाल और अपने भरण पोषण का वह वजन दूल्हे से लेती थी, लेकिन अब तो वो भी कमाने लगी है, कामकाजी है, तो घर पर भी उन्हें हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में वजनों में थोड़ा बदलाव होना चाहिए। शादी के बाद न्यूली मैरिड कपल को मॉडर्न ज़माने के साथ वजन निभाने का वादा करना चाहिए। क्या है शादी के पारंपरिक साथ वजन, पहले हम ये जान लेते हैं। शादी के वक्त अपने भविष्य को सुरक्षित रहने के लिए कन्या वर से साथ वचन लेती थी, जिसकी पूर्ति का आश्वासन देने पर ही वो अर्धांगिनी बनने के लिए राजी होती थी। तो इसमें सबसे पहला वचन होता था कि पहले वचन में कन्या वर से कहती थी कि वह आप कभी तीर्थ यात्रा पर जाओ तो मुझे भी अपने संग ले जाना, किसी भी व्रत उपवास और धार्मिक कार्यों में मुझे भी वह मांगी बनाना। और दूसरा वचन होता था, जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करना। तीसरा वचन होता था, तीसरे वचन में भी कन्या वर से वचन लेती थी कि अगर आप जीवन की तीनों अवस्थाओं में मेरा पालन करने के लिए तैयार है तभी मैं आपकी वामांगी बनूंगी। और चौथा वचन होता था, अब तक आप घर परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त थे लेकिन अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो परिवार की सभी ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी। और इसमें पाँचवा वचन होता था, अपने घर के कार्यों में लेन देन या किसी भी चीज़ के लिए खर्च करते समय मुझसे विचार विमर्श करेंगे। और छठा वचन होता था, अगर मैं अपनी सहेलियों के साथ बैठी हूँ तो वहाँ आकर आप मेरा अपमान नहीं करेंगे। और सातवां वचन होता था, पढ़ाई स्त्रियों को माँ के समान मानेंगे और पति पत्नी के प्रेम के बीच किसी को नहीं आने देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं मॉडर्न ज़माने के सात वचन। अब तो ये हो गए पारंपरिक सात वचन जो कन्या वर से मांगती थी, लेकिन आज ज़माना बराबरी और समानता का है। लड़कियां अब कमज़ोर नहीं बल्कि लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसे में घर गृहस्थी की जिम्मेदारी भी दोनों को उठाना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहला वचन आता है, घर का काम बाँट कर करेंगे। आज ज़्यादातर शादीशुदा कपल्स वर्किंग हैं और अकेले रहते हैं, ऐसे में दोनों को ही घर के सभी काम खुद करने पड़ते हैं। खाना बनाने से लेकर घर की साफ़ सफाई और देखभाल की जिम्मेदारी एक की ना होकर दोनों की है, इसलिए दोनों को एक दूसरे को यह वचन देना चाहिए कि वो घर के सारे काम मिल बाँट कर करेंगे। और मॉडर्न ज़माने का दूसरा वचन आता है, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखेंगे। शादी के शुरुआती दिनों में कपल्स की दुनिया काफ़ी अलग होती है, लविंग केयरिंग और शेयरिंग में उनका पूरा समय बीतता है, लेकिन जब वो वापस काम पर लौटते हैं तब असली परीक्षा शुरू होती है। घर बाहर की जिम्मेदारी अक्सर कपल्स को चिड़चिड़ा बना देती है। शादी से पहले जहां पेरेंट्स सब कुछ संभाल लेते थे, वहीं अपनी गृहस्थी में सब कुछ खुद करना आसान नहीं होता है। ऐसे में दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा। और मॉडर्न ज़माने का तीसरा वचन आता है, एक दूसरे के दोस्तों की रेस्पेक्ट करेंगे। माना कि शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, पर दोस्तों के साथ हमारी दोस्ती तो वही रहती है। शादी के बाद जब दोस्त मिलने आते हैं और घर कहीं बाहर मिलने भी बुलाते हैं तो उन बातों को लेकर अक्सर कपल्स में नोकझोंक होने लगती है। हर किसी को हक है कि अपने दोस्तों के साथ समय बिताए। ऐसे में आपको अपने पार्टनर की इतनी आज़ादी देनी होगी कि उनके दोस्तों को भी रेस्पेक्ट करनी होगी। दोनों को ही यह याद रखना चाहिए कि दोस्तों की एक स्पेशल जगह होती है जिससे किसी को भी महरूम नहीं करना चाहिए। तो आप दोनों को वचन दें कि एक दूसरे के दोस्तों की रेस्पेक्ट करेंगे। और इसमें चौथा वचन आता है, कहते हैं कि मैरिड लाइफ की नींव हेल्दी सेक्स लाइफ पर टिकी रहती है, इसलिए दोनों को ही अपने सेक्सुअल हेल्थ का खास ख्याल रखना चाहिए। रात को सोने से पहले ब्रश करें और प्राइवेट पार्ट्स को अच्छी तरह क्लीन करना दोनों की ही जिम्मेदारी है। पार्टनर को किसी तरह का सेक्सुअल इन्फेक्शन ना हो, इस बात को आप हाइजीन का ख्याल रखकर ही सिक्योर कर सकते हैं। और इसमें मॉडर्न ज़माना का पांचवा वचन आता है, एक दूसरे के ऊपर अपनी मर्जी नहीं थोपेंगे। प्यार में अक्सर कपल्स एक दूसरे को खुश करने के लिए पार्टनर की हर इच्छा को पूरा करते हैं, पर इस खुशी को मजबूरी कभी ना बनने दें। कैसे कपड़े पहनना है, कैसा व्यवहार करना है, किस तरह बातचीत करनी है, जैसी हज़ार चीज़ें हैं जो न्यूली मैरिड कपल्स एक दूसरे पर थोपते हैं। पार्टनर की मर्जी हो ना हो, अपनी मर्जी चलाना अच्छी बात नहीं। आप दोनों
इंडिपेंडेंस हो, वर्किंग हो, तो जाहिर है बहुत सी चीज़ें जानते हैं। ऐसे में यह ध्यान रखें कि कुछ भी करने से पहले पार्टनर की सलाह लें, चाहे बात सेक्सुअल रिलेशन की क्यों ना हो, आपकी मर्जी सिर्फ इसलिए कुछ भी ऐसा ना करें। और इसमें छठा टिप आता है, हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने में एक दूसरे की मदद करेंगे। आज की हमारी लाइफ स्टाइल में हेल्थ और फिटनेस बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसे में डाइट से लेकर एक्सरसाइज तक दोनों को एक दूसरे को फिट रखने में मदद करनी होगी। यहाँ प्रॉब्लम तब आएगी जब एक पार्टनर फूडी और दूसरा बहुत ही ज़्यादा फिटनेस कॉन्शियस हो। यहाँ आप दोनों को बैलेंस करना होगा और बात तब भी बिगड़ सकती है अगर आप दोनों ही फूडी और आलसी हैं। ऐसे में दोनों को एक दूसरे को मोटिवेट करना होगा। सुबह या शाम को रोज़ाना वॉक आप दोनों के साथ साथ आपकी मैरिड लाइफ को भी हेल्दी बनाएगा। तो आज ही एक दूसरे को से वचन लें और दोनों मिलकर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे। और इसमें सातवां वचन आता है, सभी खर्चों की जिम्मेदारी दोनों की बराबर होगी। हैप्पी मैरिड लाइफ में फाइनेंस की भी अहम भूमिका होती है। घर खर्च से लेकर इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स दोनों की ही जिम्मेदारी होती है, क्योंकि यह आप दोनों की गृहस्थी है। सेविंग्स की जिम्मेदारी सिर्फ पति की नहीं बल्कि पत्नी की भी होती है। पति पत्नी चाहे तो जिम्मेदारियां बांट ले, जैसे पत्नी घर खर्च देखेगी, पति इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स, और जो भी इमरजेंसी खर्च होगा उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाकर कुछ पैसे दोनों रखते जाएंगे। ऐसे में किसी एक पर फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होगा और आप दोनों की ही जिंदगी स्ट्रेस फ्री और खुशहाल रहेगी। और पति पत्नी साथ फेरे के साथ कदम भी जरूर लें। इसमें सबसे पहला कदम आता है, अगर पत्नी का मायका और ससुराल एक ही शहर में है तो महीने में कम से कम एक बार पत्नी को न सिर्फ मायके जाने देंगे बल्कि उनके साथ खुद भी सास ससुर का हालचाल लेने जाएंगे। और इसमें दूसरी बात आती है, जॉइंट फैमिली में नहीं रहते तो हर हफ्ते अपने पेरेंट्स से मिले। नई बहू के लिए सास ससुर और ससुराल के बाकी सदस्यों से मेल मिलाप बहुत ज़रूरी है। और इसमें तीसरी बात आती है कि हर दूसरे या तीसरे महीने कोई नई जगह देखने जाएं, क्योंकि एक बार बच्चे बड़े हो गए तो कुछ समय के लिए घूमना फिरना कम हो जाएगा। इसलिए अभी एक दूसरे के साथ नई नई जगह देखें और क्वालिटी समय बिताएं। और चौथी बात आती है, वैसे तो हर हफ्ते एक नई फिल्म रिलीज़ होती है लेकिन महीने में कोई ना कोई खास फिल्म होती है जिसे देखने जरूर जाएं। और इसमें पांचवी बात आती है कि 15 से 20 दिन या महीने में एक बार कैंडल लाइट डिनर पर जाने से मैरिड लाइफ में रोमांस बना रहता है और डेली रूटीन से भी ब्रेक मिल जाएगा। और इसमें छठी बात यह आती है कि किसी दोस्त या रिश्तेदार से अपने पार्टनर को मिलाने ले जाए, नए नए लोगों से मिलने से मैरिड लाइफ में रोमांस बना रहता है। और इसमें सातवीं बात आती है, खुद को और पार्टनर को स्ट्रेस फ्री और पैम्पर करने के लिए किसी स्पा जरूर ले जाए। तो फ्रेंड ये तो थे न्यूली मैरिड के लिए मॉडर्न ज़माने के सात वचन। आई होप वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसी तरह की जानकारी से भरपूर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, टेक केयर।